फैंसी गार्मेंट एंड किड्स मॉल, लग्नासाठी कोट पैंट एंड शेरवानी, मोदी जैकेट, ब्रांडेड रेमंड, अरविंद एंड जे हेम्स्टेड, रेड एंड टेलर शूटिंग शर्टिंग, तसेच लहान मुला मुलींसाठी किड्स मॉल, फैंसी गार्मेंट एंड किड्स मॉल, हजार खोली नियर आयशा नगर पोलिस स्टेशन मालेगाव। कल मालेगाव शहर में शबे बारात की खूब धूम रही, इसको लेकर अब तक न्यूज चैनल ने कहीं झलकियां दिखाने की कोशिश की और कल रात कुछ मनाजिर को शूट किया, जिसमें हम आपको दिखा सकते हैं मालेगांव महानगर पालिका के प्रशासक बालचंद्र गोसावी कल कब्रिस्तानों का दौरा करके इंतजाम का जायजा ले रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर मालेगांव शहर की हर शाहराहों पर आवाम का जम्ब गफीर नजर आया। कलेक्शन फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम, ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्तास, कैडनी, सम्मान, आइकॉन, असीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बायतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। तो वहीं दूसरी ओर मालेगांव शहर पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से बंदोबस्त के काफी अच्छे इंतजाम किए गए, जिसकी जिम्मेदारी मालेगांव शहर एडिशनल एसपी व डीवाईएसपी ने खुद इसकी जिम्मेदारी संभालते हुए मालेगांव शहर के सभी कब्रिस्तानों में आने और जाने के लिए रास्तों का इंतजाम का किया। उसके साथ साथ बैरिगेड का इंतजाम किए, पुलिस डिपार्टमेंट के जवानों की वहां पर तैनाती किस प्रकार से होंगी उसको ध्यान में रखते हुए उसके इंतजाम को मुकम्मल किया गया। सीसीटीवी कैमरे से हर मंजर पर नज़र रखने के लिए भरपूर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसका नज़ारा हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं कि आवाम का जम्ब गफीर किस प्रकार से रहा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मालेगांव शहर आयशा नगर कब्रिस्तान की है, जो आवाम का जम्ब गफीर आपको नज़र आ रहा है। हम मालेगांव महानगर पालिका पर कितने ही सवाल क्यों ना उठा दे, पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर कितने ही सवाल क्यों ना उठा दे, लेकिन आखिर जिम्मेदारियां निभाना उन्हीं को पड़ती है। मालेगांव महानगर पालिका और पुलिस डिपार्टमेंट का हर त्योहारों पर एक अच्छा सहयोग रहता है और उन्हीं के इंतजाम से सारे त्योहार अच्छे ढंग से मनाए जाते हैं। वैसे तो त्योहारों की धूम मालेगांव शहर की काफी मशहूर है। मालेगांव शहर में ईद हो, बकरीद हो, शबे बारात हो या फिर जश्न ईद मिलादुन नबी का त्यौहार हो, सभी त्योहारों को देखने के लिए बाहर दूसरे शहरों से लोग मालेगांव शहर त्यौहार मनाने के लिए ईद की छुट्टियों में शबे बारात की इस रात में अक्सरियत बाहर से आए हुए लोगों की रहती है, जो मालेगांव शहर की शबे बारात की इस रात की रौनक देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। कमिश्नर साहब भी जब कब्रिस्तान आए, कब्रिस्तान का जायज़ा लिया और पूरा जायज़ा लेने के बाद इंतजाम को देखते हुए कब्रिस्तान से फिर दूसरे कब्रिस्तान के दौरे पर निकल गए। लेकिन हम आपको कब्रिस्तान के अंदर की वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़ारों की इस भीड़ में शबे बारात की रात अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने के लिए आए हुए हज़ारों की इस भीड़ में अमन, शांति, सुकून के साथ शबे बारात के इस त्यौहार को मनाया गया।